पानीपत में पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से नीरज को भी बरामद कर लिया गया, जिसका आरोपियों ने अपहरण किया था। इससे पहले आरोपियों ने नीरज के भाई आशीष को फोन कर 80 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस को सामने से आता देख आरोपी डर गए और पुलिस की टीम पर फायरिंग करने लगे। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और 2 बदमाशों को घायल कर दिया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिसमें आशीष सैनी ने अपने भाई छोटे भाई नीरज सैनी के अपहरण करने के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो हमने मल्टीपल टीम्स फॉर्म किए थे, CIO बंद लगी हुई थी, CIA 3 थे, थाने की टीम थी, साइबर की टीम थी। और इसमें हमें आज तड़के सुबह 4 बजे के आसपास हमें कुछ सफलता मिली है। एक एनकाउंटर भी हुआ था, ब्रीफ एनकाउंटर, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था। हमारे पास हमारी जो टीम है वो रात में, कल उन्होंने रैनसम कॉल किया था, 80 लाख रुपये की डिमांड की थी जो अपहरण करता है। तो उस पर फिर हमारी टीम जो रात में गश्त पे थी और उनको कुछ सोचना थी कि UP के नंबर की जो गाड़ी थी जो अपहरण में इस्तेमाल हुई है उसके मूवमेंट की सूचना थी। तो जब मोहाली राजाखेड़ी रोड पे वहाँ पे हमारी टीम मौजूद थी, तभी उनके पास फ़ोन भी आया जो कंप्लेनेंट है उनका, कि जो किडनैपर्स हैं उनका फिर से फ़ोन आया, वो पैसे डिमांड कर रहे हैं, पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। तो तभी इनको वो गाड़ी दिख जाती है, वहाँ पे पुलिस को देख के वो फायरिंग करते हैं। तो उस गाड़ी में 3 लोग सवार थे, तो उसमें से जैसे सेल्फ डिफेंस में इन्होंने भी फायर किए और 2 लोग को गोली लगी है, पैर में लगी है। तो ऐसे कुछ सुरक्षित हैं वो लोग और मैंने फॉलो भी किया, अभी PGI रोहतक में एडमिट है और वो तुरंत आज ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। अभी एक्सरे रिपोर्ट पेंडिंग है उनकी और उनकी बाकी सेहत ठीक है। और हमारे पुलिस मुलाजिम किसी को गोली लगी नहीं लगी, उन्होंने फायर किए थे, बच गए। और इस बेसिस पे एक अलग मुकदमा भी दर्ज कराया गया उन पर 307 का, बिकॉज उन्होंने फायरिंग किया था पुलिस टीम पर। उसके अलावा जब उनसे पूछताछ की तो फिर उन्होंने बताया कि हमने पास में ही जो जिसको विक्टिम है नीरज सैनी, उसको हमने उन्होंने किडनैप करके रखा हुआ था, रस्से से बांध रखा हुआ था, तो उसके साथ एक और व्यक्ति था तो उसको भी हमने राउंड अप। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नीरज, सौरभ और अंकुर के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 2 अवैध पिस्तौल और 2 खाली खोल बरामद भी किए गए हैं। आरोपियों ने पीड़ित नीरज को शनिवार को सड़क से उस समय गिरफ्तार किया था जब वो किसी काम से घर जा रहा था। जानकारी के मुताबिक अगले ही दिन आरोपियों ने नीरज के भाई को फोन कर फिरौती की भी मांग की थी और वही पैसे लेने आ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।